क्या बनने का मन करता है आपको? हमें डांसर बनने का मन करता है। सर बोल रहे हैं हमने पढ़ाई किस लिए की थी कि चीट करेंगे, बनना है लाइफ में। आईएएस ऑफिसर। आईएएस का फुल फॉर्म? टाइम ही नहीं रहता था कि इतना पैसे इतना पढ़ना है, जितना मन उतना पढ़ लेते थे। जो अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन? क्या ड्रीम है, क्या बनना है? टीचर बनना है। टीचर बनना। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और कुछ ऐसे बच्चों से हम मिल रहे हैं जिन लोगों का ज्यादा से ज्यादा अंक आया है, वो भी 400+। अभी हम मौजूद है सिवान जिले में और DPH हाई स्कूल है, उन्हीं लोग के बच्चे से बात कर रहे हैं, वहीं के जो बच्चे हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। कितना नंबर आया है? 403। 403, कंग्रेचुलेशन कि आपको इतना अच्छा नंबर आया है। क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? पिताजी। पिताजी को? टीचर्स को नहीं देना चाहती हैं? टीचर्स को तो सबसे पहले, मतलब मेरे पिताजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था इसमें। अच्छा, पिताजी का सपोर्ट ज़्यादा, मतलब सपोर्ट था कि टीचर्स का भी था? पिताजी आपके भेजे और टीचर्स भी तो सपोर्ट किए होंगे। अच्छा, तभी तो टीचर ही तो बेटर किए होंगे आपके लिए। हाँ। कैसे पढ़ाते थे, किनके पास आप क्लास करने जाती थी? मजर सर के पास, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाई का तो कोई जितना तारीफ करो बहुत कम है, एकदम कम है। सेटिंग वगैरह भी कराते हैं क्या? नहीं, एकदम सच बोल रही हूँ। क्या करना है लाइफ में, क्या ड्रीम है, क्या बनना है? टीचर बनना है। टीचर बनना है, कैसे, मतलब टीचर बनने का ख्याल कैसे आया कि, मतलब सर को देखकर, जो मुजहर सर है उनको देखकर कि ऐसे ही ड्रीम ही है टीचर? सर को देखकर। फादर्स क्या करते हैं? डॉक्टर है, छोटा मोटा मेडिकल हॉल है। अच्छा, क्या नाम है फादर्स का? डॉक्टर सुगालाल शर्मा। अच्छा, सुगालाल शर्मा। मदर्स क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। अच्छा, कैसे पढ़ाई करती थी? हम तो रोज ही बैठते थे, कभी टाइम ही नहीं रहता था कि इतना पैसे इतना पढ़ना है, जितना मन उतना पढ़ लेते थे। पहले आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको कंग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा नंबर लाए हैं। थैंक यू। ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? अपने टीचर और अपने फैमिली को। अपने टीचर और अपने फैमिली को। कैसे तैयारी करते थे, सुबह में कैसे उठते थे आप? कितने बजे उठते थे? 5 बजे। कितना घंटा पढ़ते थे? 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। क्या बनना है लाइफ में? आईएएस ऑफिसर। आईएएस का फुल फॉर्म पता है? इंडियन एरोमेटिक सर्विस। वेरी गुड। और कहाँ पे क्लास करते थे आप? हम अपने अबू के पास करते थे और एक जगह करते थे संस्कृत और हिंदी का। अच्छा, तो आगे बच्चे को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनका बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बैक भी लग गया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे आप अपना दिमाग रखिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कितना नंबर आया आपका? 424। किस स्कूल से आप पढ़े हैं? DPH। DPH से। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि 400+ नंबर आया है तो काफ़ी अच्छा नंबर होता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना खुश है आप? बहुत ज्यादा। मुस्कुरा के बताइए, कितना खुश है? बहुत ज्यादा। फोन वगैरह भी चलाते थे? नहीं। अच्छा, जो लोग फोन चलाते हैं, जो लोग फोन में बिजी रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, फोन का अच्छा यूज कीजिए। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंग्रेचुलेशन की आप इतना बेटर नंबर लाई है। क्या नाम है आपका? संजीदा परवीन। अच्छा, ये क्रेडिट किसको देना चाहती है? मेरे टीचर्स और माय पेरेंट्स। अच्छा, टीचर और पेरेंट्स को। ऐसा तो नहीं है सेटिंग वगैरह भी हुआ था या चीटिंग वगैरह? नहीं, ये मेरा खुद का मेहनत है और सेल्फ स्टडी हमने ज्यादा किया था। मेरे टीचर का भी बहुत सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। कहाँ सेंटर दिया था आपका? सिवान। सिवान प्रभावती देवी महिला कॉलेज। वहाँ पे चीटिंग नहीं होता था? थोड़ा बहुत होता था। जिसको आप सीटिंग की थी कि नहीं? नहीं, हमारा सर बिल्कुल नहीं। सच बोल रही एकदम? हाँ, सच बोल रहे हैं। हमने पढ़ाई किस लिए की थी कि चीट करेंगे? अच्छा अच्छा, हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। अच्छा हाँ। कैसे पढ़ाई करती थी, कितने बजे उठती थी सुबह में? हम 3 बजे उठ जाते थे सुबह में। कितने दिन में कितने घंटा पढ़ाई करती थी? दिन में ऐसे, मतलब सुबह में 3 बजे से लेके जब तक ट्यूशन जाना होता था उससे 1 घंटा पहले उठते थे। मतलब कहाँ ट्यूशन पढ़ती थी? माधोपुर। माधोपुर, क्या नाम है टीचर का? मजहर हुसैन। अच्छा, कैसे गाइड करते थे वो, कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को अच्छा, बहुत सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा नंबर आया है कि टीचर्स गाइड दिया है। क्रेडिट टीचर्स को जाएगा या पेरेंट्स को जाएगा? सबसे पहले तो टीचर को जाएगा कि उन्होंने हमको ज़्यादा मोटिवेट किया था। हाँ, ज़्यादा मोटिवेट उन्होंने किया था और मैंने खुद का भी सेल्फ स्टडी किया था और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है उसमें। अगर वो हमको नहीं चाहते अगर पढ़ाना तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, बहुत से ऐसे बच्चों का होता है। बट मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था और मेरे टीचर भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ड्रीम क्या है? ड्रीम टीचर, आई वांट टू बिकम टीचर। अच्छा, टीचर बनना है। कैसा टीचर बनना है? मतलब ऐसे अच्छा कि बच्चों को भी हम एजुकेशन दे अच्छा से और आगे चल के वो भी कुछ कर पाए वैसा।
अच्छा जो अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन? हाँ, चंद्रशेखर यादव। उसके पहले कौन थे? उसके विजय कुमार चौधरी। अच्छा, जो नंबर आया उससे आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? सेटिस्फेक्शन है, बट थोड़ा बहुत ये है कि हमारा सोशल साइंस का पेपर हार्ड था, सेकंड सिटी में हम एग्जाम दिए थे। कैसे, आपके लिए स्पेशल हार्ड था कि बहुत सारे स्टूडेंट का हम कमेंट देखे थे, हमारे लिए नहीं, सारे स्टूडेंट का वही था हाल। हम अपने सेंटर पे भी देखे थे और न्यूज़ में भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट था जो सेकेंड सीटिंग में दिए थे कि सोशल साइंस का पेपर हार्ड है, थोड़ा आउट ऑफ भी था, बुक से था बट थोड़ा आउट था। मतलब जो भी नंबर है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है? है सेटिस्फेक्शन, बट हमारा लेकिन और ज़्यादा आना चाहिए था थोड़ा और, बट सोशल साइंस की वजह से हमको उतना अब सेटिस्फाई लग रहा है कि आगे आपके फैमिली वालों को सपोर्ट मिलेगा आपको टीचर बनना है तो? हाँ मिलेगा, और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि शादी वगैरह कर देंगे इंटर मैट्रिक करा के? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट है, हम जितना पढ़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। अच्छा अभिमन्यु जी, आपको सबसे पहले कंग्रेचुलेशन कि आप इतना बेटर नंबर लाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा किसको क्रेडिट देंगे आप? मैं सर को क्रेडिट दूंगा और अपने फैमिली मेंबर्स को भी क्रेडिट दूंगा। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में किसको किसको क्रेडिट देंगे? सर मेरे भैया जो मुझे हरदम डांटते थे कि पढ़ाई करना है और इतना नंबर लाना है। अच्छा, कहीं क्लास भी करते थे आप, कोचिंग वगैरह भी करते थे? जी मैम, वो मजा सर के पास मैं कोचिंग करता था। अच्छा, क्या बनना है आगे लाइफ में? मुझे अभी इंजीनियर बनना है। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर बनना है? कंप्यूटर थी मैम, फील्ड में। कैसे पढ़ाई करते थे, कितना देर तक पढ़ते थे? हम डेली 6-7 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों का अच्छा नंबर नहीं आया है, बैक लग गया है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए अभी यही करना चाहूँगा कि जितना भी नंबर आया है वो बहुत है, और वो निराश ना हो और आगे मतलब कुछ करने के लिए सोचे। अच्छा, फ़ोन भी चलाते थे? जी थोड़ा थोड़ा चलाते थे। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 434। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, ये क्रेडिट किसको देंगी आप, इतना नंबर अच्छा आया है? अपने टीचर को और अपने माता पिता को। अच्छा, अपने टीचर और अपने माता पिता को। आपकी टीचर कौन है और कहाँ पढ़ती थी, उनके बारे में कुछ बताइए। मजहर हुसैन माधोपुर पढ़ाते हैं। अच्छा, मजहर हुसैन माधोपुर पढ़ाते हैं। कैसे आपको गाइड किए कि इतना अच्छा नंबर आ गया? वो क्लास में भी पढ़ाते थे और ऐसे मतलब अगर कोई भी डाउट हो तो मोबाइल पे भी बोलते थे कि अगर कभी भी डाउट हो तो पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से गाइड करते थे किसी को भी। अच्छा, इसे तो कैसे तैयारी करती थी आप, कितने बजे उठती थी सुबह में? मैं 6 बजे सुबह उठती थी। 6 बजे? कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? मैं दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती थी, रात में ज़्यादा करती थी पढ़ाई। दिन में नहीं पढ़ाई करती थी, ऐसा क्यों हुई है? दिन में थोड़ा सा हल्ला वल्ला रहता है इसलिए? नहीं, हमें दिन में अच्छा नहीं लगता, हमारा पढ़ाई नहीं हो पाता इसीलिए। अच्छा, रात में। घर का कैसा सहयोग मिला आपको? बहुत ज़्यादा मिला। बहुत ज़्यादा मिला? काम वगैरह को लेकर कुछ घर से दबा कराते थे लोग? अच्छा, सिर्फ पढ़ाई करने देते। क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम अभी कुछ सोचे नहीं है। आपका 400+ नंबर आया है या, और सोचने वाली बात है कि अभी तक आपने सोचा नहीं कि मेरे को लाइफ में क्या करना है? नहीं, ये कैसे? सोचने वाले ज़्यादातर नहीं कर पाते, ना सोचने वाले कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचिएगा तो वही ना कीजिएगा? सोचेंगे। मतलब कुछ ख्वाब होगा ना आपका कि हमको डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, मेडिकल निकालना है, ऐसा वगैरह, टीचर बनना है कुछ हो? क्या बनने का मन करता है आपको? हमें डांसर बनने का मन करता है। अच्छा, डांसर बनने का मन करता है। तो कहाँ जाइएगा तैयारी करने के लिए? नहीं अभी सोचे नहीं है, आगे सोचेंगे, पढ़ाई करेंगे कम्प्लीट। अच्छा, अपना डांस वगैरह करती हैं क्या? कोचिंग वगैरह में कुछ होता था प्रोग्राम वगैरह तो उसमें करती थी? नहीं, स्कूल में होता था तो करते थे। अच्छा, डांसर बनने का मन है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सलोनी जो 400+ नंबर लाई है और इनका ड्रीम है डांसर बनने का। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।